हे गाइस, लहंगे के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, बट उसमें से मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया था कि जिसमें था कि दो लहंगे को हम एक साथ कैसे डिफरेंट तरीके से पहन सकते हैं, एंड उसी के ऊपर मैंने रामलीला स्टाइल, वो भी रिकमेंडेड वीडियो थे वो दोनों भी, तो उसी रामलीला स्टाइल में कैसे हम पहन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दो लहंगा यूज करके, उसी वीडियो में मैंने लास्ट स्टाइल एफर्टलेस स्टाइल दिखाया। तो वही उसी स्टाइल को लेके लाइक माई गर्ल्स रिकमेंडेड मी टू मेक वीडियो ऑन दैट स्टाइल, सो बेस्ड ऑन दैट स्टाइल आई एम गोइंग टू शो यू डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल टूडे इन दिस वीडियो, एंड दैट इज ऑल्सो एफर्टलेसली। लाइक अगर मैंने वो एफर्टलेस स्टाइल दिखाया था, वो लास्ट वाला, आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे लिंक आ गई होगी। सो वही स्टाइल को यूज करके आज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल दिखाने वाली हूँ, और वो एफर्टलेस स्टाइल था, तो बट ऑब्वियसली आज के सारे स्टाइल्स भी एफर्टलेस ही होंगे, जिसमें कि आपको यू नो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा नाइस एंड क्लासिक लुक देगा डेफिनेटली। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो, एंड या आज मैंने बाल कुछ स्ट्रेट वगैरह किए नहीं है, नेचुरली ऐसे वॉश करके ऐसे ही खुले छोड़ दिए हैं, तो इतने ज़्यादा स्ट्रेट नहीं लगेंगे। एंड मैं आज लाइक जो लहंगा पहनने वाली हूँ वो चेंज नहीं करने वाली हूँ, उसी के ही ऊपर मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आपको दिखा दूंगी। सो और इयररिंग भी यही कंटिन्यू करने वाली हूँ। एनीवे, सो विदाउट एनी फर्दर टू लेट्स गेट इनटू द वीडियो, एंड सब्सक्राइब इट राइट नाउ, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, यही वो पेयर है जो कि टू लहंगे को यूज़ करके रामलीला स्टाइल क्रिएट कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने लास्ट स्टाइल जो पहना था वो यही पेयर था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वही दिखाने जा रही हूँ अभी, जो कि उसी के बेस पे फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आपको दिखाऊँगी। सो गाइज, इन माई फर्स्ट स्टाइल, जिस स्टाइल पे मैं यहाँ पे वीडियो बनाने जा रही हूँ वही स्टाइल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा रही हूँ। सो या ये एफर्टलेसली मैंने सारी ड्रैप की है, एंड बहुत ही कूल एंड गॉर्जियस लुक क्रिएट होता है इससे। नेक्स्ट स्टाइल, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक दे रहा है। इनफैक्ट इसमें मैंने साड़ी को सेंटर पार्ट करके फिर सेंटर में नॉट टाई कर दी है, एंड देन फ्रंट से दुपट्टे की जैसा डाला, एंड साइड में जो जो भी मटेरियल बचता है उसकी प्लेट्स ले ली और थोड़ी ऊपर से टकिन कर दिया है, एंड बीच में मेरे पास ये पर्ल वाला बेल्ट था, फैंसी एंड इंडोवेस्टर्न ट्रेडिशनल सब कुछ ऐसा नाइस लुक क्रिएट लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बेल्ट पहना है। इसकी जगह पर आप कोई और भी बेल्ट पहन सकते हो, सुपर स्मार्ट ही लगेगा, एंड इसको पीछे से मैंने टाई कर दिया है, एंड दोनों भी जो साइड थी वो मैंने बेल्ट के अंदर ले ली है, तो ये ओवरऑल लुक बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा है। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। एंड सेंटर में मैंने यहाँ पे जो नोट बनाई है उसमें आप हैवी ईयरिंग भी डाल सकते हो, तो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देगा। आई जस्ट लव दिस लुक। इन माय नेक्स्ट स्टाइल, यहाँ मैंने पूरी साड़ी की प्लीट्स बना दी है, एंड उसको फिर टकिन कर दिया दोनों साइड, एंड थोड़े थोड़े मैंने छोड़ दिए थे, फिर उसी एंड को लेके मैंने यहाँ पे बैक में नेक में बैक साइड यहाँ पे नोट टाई कर दी है, एंड यप, ये जैकेट की तरह लग रहा है और पीछे से एकदम प्लीट्स, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक ये दे रहा है। इन माई नेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पे मैंने सिर्फ बेल्ट पहना है ब्लैक, एंड इट स्टार्ट गिविंग फैंसी लुक। आप कॉम्बिनेशन में कोई भी यूज़ कर सकते हो साड़ी, एंड लहंगे में मैंने यहाँ पे ज़्यादा वेट वाले नहीं लिए हैं, नो डाउट कि ये सिल्क है, नीचे लेस लगाई है, फ्लेयर है, तो लिटिल बिट हैवी लग रहा है, बट ये एक्चुअली में ज़्यादा वेट नहीं है इसका। जो लेयर में मैंने सेकेंड लहंगा पहना है वो ऑलिव कलर का है, एंड विथ गोल्डन शेड, सो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है, और वाइट है ना, तो इस पर कोई भी कलर चला जाएगा, एक्स वाई जेड सभी अच्छे ही लगेंगे। तो ऐसे ही आप कॉम्बिनेशन करके कोई भी दुपट्टा एंड साड़ी यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि उसमें ज़्यादा वर्क ना हो, बिकॉज जब भी हम नोट टाई करते हैं तो वर्क ख़राब हो सकता है, या तो फिर लेस पे जो वर्क है वो ख़राब हो सकता है, तो यानी कि मशीन वर्क हो तो चलेगा, अदरवाइज आप प्लेन भी ले सकते हो प्रिंटेड।
साड़ी की जो प्लीट्स आप यहाँ पे टकिन कर रहे हो तो वो थोड़ी सी ऊपर से करना, तो उसका एक लेयर दिखेगा, फिर फर्स्ट लहंगे का लेयर दिखेगा एंड नीचे सेकंड लेयर लहंगा दिखेगा, तो यानी कि 3 लेयर्स बहुत ही ज़्यादा सुपर स्मार्ट लुक देंगे। यप, इन नेक स्टाइल आई वॉन्ट दुपट्टा एफर्टलेसली सिंपली। एज इन फर्स्ट स्टाइल मैंने साड़ी को जैसे ड्रैप किया था उसी तरह से सिंपली दुपट्टे को मैंने वैसे ही ड्रैप किया है, लाइक नोट बना के साइड में प्लीट्स इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा छोटा दुपट्टा है एंड पतला भी है, तो मुझे नोट लगानी थी तो ये दुपट्टा बेस था उसके लिए, और साइड में मैंने यहाँ पे कमर में टकिन कर दिया है। इन नेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर मैंने सेंटर नोट करके सेंटर में यहाँ पे इयररिंग हैंग कर दी है, इसकी जगह पे कोई और हैवी इयररिंग आप करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा, बट फिलहाल दिखाने के लिए मैं ये इयररिंग यूज़ कर रही हूँ। इन माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टाइल यहाँ पे मैंने मेरे पर्ल वाले बेल्ट को दुपट्टे के सेंटर में यहाँ पे जस्ट रैप कर दिया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इनफैक्ट यू नो एक वॉक किया हो वैसा फीलिंग दे रहा है। तो आप ऐसे ही कोई भी अपना ब्रेसलेट हो या तो फिर हैवी इयररिंग हो या बेल्ट हो, ऐसे ही उसको यू नो घुमा के सिर्फ उसको लगा दो ना तो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देने लगता है। सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई दिस स्टाइल। होप ये आपको अच्छी लगी, अगर होप इट वुड हेल्प यू लॉट बिकॉज इसमें मैंने सारे एफर्टलेस स्टाइल दिखाए हैं जो कि यू नो एफर्टलेसली स्मार्ट लुक देता है ये, तो यानी कि आप कहीं पे भी ये इनफैक्ट गेट टुगेदर हो या तो फिर यू नो हैवी फंक्शन हो, आपको बस सारी ही चेंज करने की ज़रूरत है, स्टाइल वैसे की वैसी रखोगे तो भी चलेगा बिकॉज स्टाइल अगर वैसे की वैसी हो बट यू नो अगर नॉर्मल फंक्शन हो तो आप थोड़ी प्लेन साड़ी या फिर ऐसे जैसे मैंने अभी प्रिंटेड नॉर्मल साड़ी ली थी वैसी आप ले सकते हो, या फिर कोई हैवी फंक्शन हो तो लिटिल बिट हैवी साड़ी यूज़ करके ये स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली हैवी लुक देने लगेगा। सो या ये स्टाइल आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। So, अगर ये आपको अच्छा लगा है then don't forget to share it with your friends also and thank you for watching my video till end and keep watching my videos to get new tips and tricks for fashion and yeah, so be fashionable, be classy, be beautiful, bye bye, take care till my next video, love you guys.